वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज जब हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड लंग कैंसर डे। जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे है हमारे पास, ये सेलिब्रेट कब किया जाता है आपका? सो वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है हमारे पास, ये आपका एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। और फर्स्ट टाइम 2012 में सेलिब्रेट किया गया था इस दिन जो है, इसकी 2012 में जब लंग कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है वो चलाई गई थी, तो उस डे को एज वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो फर्स्ट टाइम 2012 में आपका सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड रेंजर डे जो है वो आपका एवरी ईयर 31 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो थीम थी आपकी 2023 की वो थी 30x30। तो ये इसकी थीम थी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली उल्लास ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली हमारे पास उल्लास ऐप जो है ये लॉन्च की गई है, और ये जो है ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके अलावा जो इस जो आपका उल्लास है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन अ सोसाइटी। किसका इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो सी जो है इसका वो राइट आंसर है। इसके अलावा आपका कहाँ पे जो है आपका लॉन्च किया गया? तो भारत मंडापम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने भारत मंडापम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो है वो इनॉग्रेट किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। इसके अलावा जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने एक स्लोगन लॉन्च किया है जिसका नाम है जन जन साक्षात्कार। वो भी आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ही जो है वो लॉन्च किया गया है। तो जो आपका उल्लास ऐप है ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है ये आपका इनिशिएटिव है। उल्लास आपका ऐप जो है वो आपकी किस लिए बनाई गई है? तो ये जो है वो आपकी बनाई गई इस दिन जो है वो आपकी, जिस दिन 3rd एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उस दिन जो है उल्लास ऐप जो है वो आपकी लॉन्च की गई। इसके थ्रू जो क्या है आपका, स्टूडेंट जो है वो वेरियस एजुकेशनल रिसोर्सेज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। दिशा पोर्टल जो है वो NCERT का, उसके थ्रू जो है वो वेरियस एजुकेशनल रिसोर्सेज से जो है वो जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो नेक जो है आपका, इसके जो न्यू डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो नेक के न्यू डायरेक्टर जो है वो बने हैं गणेशन कानीवीरान। ये एक एजुकेशनलिस्ट है, तो ये जो आपका इसमें है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023। तो इंडिया की पहली इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 जो है ये आपका होस्ट करने जा रहा है हैदराबाद, काफ़ी टाइम के बाद। और सॉरी, हैदराबाद जो है इसको होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट टाइम। इसके अलावा हैदराबाद में है मैराथन 2023 होगा, और ये दोनों कब होंगे आपके? 5 नवंबर को जो है होंगे। कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इनको? तो नैब स्पोर्ट्स जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक श्रीनगर अंडर इट्स प्रोग्राम आई हैव अ स्पेस। तो अमेजोन इंडिया जो है आपका ये स्टार्ट, इन्होंने लॉन्च किया पहला फ्लोटिंग स्टोर डल लेक श्रीनगर में। इसी के साथ एक और लेक है आपकी श्रीनगर में जिसका नाम है निगन लेक।
तो निगल लेक श्रीनगर में और डल लेक श्रीनगर में जो है वो अमेजोन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है वो लॉन्च किया है अंडर आई हैव स्पेस प्रोग्राम। तो याद रखिएगा आई हैव स्पेस प्रोग्राम के अंडर जो है वो अमेजोन इंडिया ने फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर जो है वो डल लेक श्रीनगर में जो ओपन किया, इसी के साथ निगल लेक जो है श्रीनगर की वहाँ पर भी जो है ओपन कर दिया गया है। और जो आपका आई हैव स्पेस प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में जो आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आई हैव स्पेस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। तो न्यू CMD जो है वो कौन बने हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के LTD कंपनी के, तो ये बने हैं आपके शिवेंद्र नाथ। ए जो है इसका राइट ऑप्शन ये जो हैं वो क्या बने हैं, तो शिवेंद्र नाथ जो हैं वो न्यू CMD बने हैं आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 का जो 5th एडिशन है वो है जो है आपका वो बेंगलुरु होस्ट करवा रहा है, मींस कि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया इसको होस्ट करा रही है बेंगलोर में। इससे पहले फर्स्ट जो था वो UK में हुआ था 2001 में, सेकंड हुआ था आपका ब्राज़ील में, थर्ड जो है वो आपका ग्वाटेमाला में हुआ था, थर्ड आपका इथोपिया में जो है आपका थर्ड हुआ था 2016 में, पहला जो है UK में हुआ था 2001 में, और 5th टाइम जो है रिसेंटली जो होगा वो कहाँ पे होगा, बेंगलोर में होगा आपका। कब से कब तक, 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है आपका वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी बेंगलोर में। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है इसको, तो इसको ऑर्गेनाइज जो है वो करवा रहा है ICO इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपकी थीम क्या है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की, तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है आपकी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। मैस्कॉट क्या है इसका, तो इसका मैस्कॉट जो है वो है कॉफ़ी स्वामी। इसके अलावा जो आपका ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है इसके, तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं रोहन बोपन्ना, जो कि एक टेनिस प्लेयर जो है वो हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया बारी चीना बादाम 12 इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो बारी चीना बादाम 12 जो है ये एक आपके पास ग्राउंड नट है, मींस कि मूंगफली की एक वैरायटी है जो आपकी कहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है इसकी, तो इसकी ज़्यादा पैदावार जो है ये आपकी होगी जो ज़्यादा जलमग्न एरियाज होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा जल रहता है, पानी जो है वो रहता है, वहाँ पर जो है ये आपके इनकी ज़्यादा पैदावार होगी। इसके अलावा जो दोमट मिट्टी होती है आपकी, जो रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर भी जो है आपकी ये होगी। लेकिन जो आपका जहाँ पे ज़्यादा जो एरिया जहाँ पे ज़्यादा जल होगा वाटर होगा वहाँ पे इसकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो इसको डिवॉल्व किसने किया है बारी चीना बादाम 12 को, तो बारी चीना बादाम 12 जो है इसको डिवॉल्व किया है आपका इरीसेट या इंटरनेशनल क्रॉप इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एंड बारी ने बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक हैदराबाद बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने जो है वो बारी चीना बादाम 12 जो है ये डिवॉल्व किया है, और इसकी फर्स्ट जो क्रॉप है आपकी इसकी वो कल्टीवेशन के लिए तैयार जो है वो हो गई है, मींस कि इसकी फसल जो है वो अब आपकी काट दी जाएगी या निकाल दी जाएगी बारी चीना बादाम 12 की। तो फर्स्ट जो है इसकी फर्स्ट टाइम जो है ये आपकी उगाई गई है, तो ये आपका अवेलेबल हो गया है कल्टीवेशन करने के लिए, जो वो कम्प्लीटली जो है ये तैयार हो चुकी है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कन्फर द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच अमंगस द फॉलोइंग। तो फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो देंगे रतन टाटा को। तो ए जो ऑप्शन है आपका वो इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड MOU टू शेयर इंडिया स्टॉक। तो रिसेंटली जो है आपकी किसने जो है वो इंडिया के, सॉरी रिसेंटली इंडिया और पपुआ न्यू गिनीवा, जो आपका सी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है। तो पपुआ न्यू गिनीवा ने जो है वो इंडिया के साथ MOU साइन किया शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक क्या है आपका, ओपन API इसकी कलेक्शन है। इसमें आपके पास जो है वो UPI आ जाता है, फिर आपका आधार इनेबल पेमेंट, ये सब जो आपके इंडिया स्टैक में जो है वो आते हैं। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और आपके पपुआ और जिनुआ की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हैं इन्होंने MOU साइन किया है शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक को। इससे पहले जो है वो इंडिया काफ़ी इससे पहले भी जो है वो इंडिया कुछ कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपना इंडिया स्टैक जो है वो शेयर कर चुका है। और जो आपका ये पपुआ न्यू गिनीवा है, ये आइसलैंड की कंट्री है जो लोकेट है आपकी साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में जो है वो आपकी लोकेटेड है। इससे पहले जून 2023 में इंडिया जो है वो 4 कंट्री के साथ MOU साइन किया है शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक को, जिसमें आपके पास कौन कौन सी थी, अर्मेनिया थी, सीरिया थी, लियोनी सुरिनेम थी, एंटीगुआ थी एंड बरबुडुआ जो कंट्री थी। इन 4 कंट्री के साथ जो है वो इंडिया ने MOU साइन किया था शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक को। और रिसेंटली जो है वो इंडिया ने पपुआ न्यू गिनीवा के साथ जो MOU साइन किया है शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक। तो सो जो आपका इंडिया है, इंडिया की मिट्टी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ, और जो आपके पपुआ न्यू गिनीवा है इनकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके साथ इन दोनों ने जो है वो MOU साइन किया शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली फॉक्सकॉन होन ही हैज साइन एन एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू इन्वेस्ट ₹1,600 crore टू बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो फॉक्सकॉन जो है वो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जिसने जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बोलता है जो आपकी फॉक्सकॉन होन है ये कंपनी है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु को जो है वो 1,600 crore जो है वो देंगे बिल्ड करने के लिए न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन है ताइवान, और इसके चेयरमैन कौन है आपके, तो फॉक्सकॉन होन हाई के जो चेयरमैन है वो है यंग ल्यूई। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, द फर्स्ट एवर रीजनल सेंटर फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल इन साउथ एशिया विल बी एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है आपका इंडिया। तो इंडिया में जो है वो पहला रीजनल सेंटर बनने जा रहा है स्पीसीज सर्वाइवल के लिए साउथ एशिया का, और इंडिया का भी पहला है। तो साउथ एशिया का पहला सेंटर ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल जो है वो आपका कहाँ पे बनने जा रहा है, इंडिया में जो है वो बनने जा रहा है आपका। इसके अलावा इसमें क्या है आपका, तो इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, तो इसको इस्टेब्लिश जो है वो कौन करेगी, तो IUCN और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्पीसीज जिसको IUCN बोला जाता है और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया, ये दोनों जो हैं
वो इस्टेब्लिश करने जा रही हैं, पहला सेंटर ऑफ रीजनल सेंटर स्पीसीज सर्वाइवल के लिए साउथ एशिया में। एंड ये जो है आपका 10th जो है वो वर्ल्ड का है, और साउथ एशिया का जो है वो फर्स्ट सेंटर ऑफ स्पीसीज जो है वो होगा। तो ये जो आपका सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का 10th सेंटर है, और साउथ एशिया का जो है वो पहला CSS सेंटर है साउथ एशिया का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, बेस्ट ट्रोपोगन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक वर्ड है, और ये वर्ड कौन है जिसको जुज्जू राणा कहा जाता है। जुज्जू राणा मीन्स द किंग ऑफ वर्ल्ड। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। तो HP का स्टेट एनिमल जो है ये आपका है जुज्जू राणा, जिसको बोला जाता है वेस्टर्न टोपोगन। ये न्यूज़ में क्यों देखा गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ विंग की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ट्रैगोपन बाई एनुअल रिपोर्ट 2022 की, तो वेस्टर्न टोपोगन बाई एनुअल रिपोर्ट जो है 2022 की हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ विंग की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ये है, इसके अकॉर्डिंग जो है 2002 में जो आपके वेस्टर्न ट्रैगोपन जो थे, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो जो थी जो 2022 में जो है वो 45 और बढ़ गई है। मींस कि जो आपके वेस्टर्न ट्रैगोपन है इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 47 जो हो गया, मींस कि इनकी पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इनको पहले जो है IUCN ने इनको जो है वो रेड लिस्ट में डाला था, क्योंकि इनकी स्पीसीज़ जो है वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो इनको कंजर्व करने के लिए जो है इन्हें रखा गया था। तो जल्दी ही जो है इन्हें इनके इंडिजीनियस हैबिटेट में छोड़ने का भी जो है वो सोचा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका HP के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें HP के एग्ज़ाम जो है वो देने एक 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि वेस्टर्न टोपोगन रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। तो ये वर्ड है स्नेक है टर्टल है फिश है, तो ये वर्ड है जिसको जुज्जू राणा कहा जाता है, कि जिसको किंग ऑफ बर्ड जो है वो कहा जाता है। HP का स्टेट एनिमल है, और जुज्जू राणा से पहले HP का स्टेट एनिमल क्या था, तो जुज्जू राणा से स्टेट वर्ड जो था आपका वो क्या था, स्टेट वर्ड जो है ये आपका है, तो HP का स्टेट वर्ड जो है वो है जुज्जू राणा, जिसको किंग ऑफ वर्ड कहा जाता है। और इससे पहले जो था वो स्टेट वर्ड जो था आपका वो क्या था, तो स्टेट वर्ड जो है वो जुज्जू राणा से पहले वो मोनाल था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम सिंगल लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी सिंगल लोकेशन इन द कंट्री फॉर द ईयर 2022 and 2023। तो ये आपकी बनी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली इट वाज रिवील्ड दैट वेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट वाज अंडर कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम द 5th century AD टू 16th-17th century AD। इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, तो जो आपकी वेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपकी झारखंड एंड ओडिशा के बॉर्डर पर जो है ये आपका पड़ता है। वेनी सागर जो है वहाँ पे एक, अगर आपके पास झारखंड ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका उड़ीसा आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर जो है ये विलेज आपकी पड़ती है। और जो आपकी वेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको सबसे पहले किसने जो है वो विजिट करा था, तो सबसे पहले जो है इसको विजिट किया था ब्रिटिश आर्मी ने, के कलोनल टिकल ने 1840। तो ब्रिटिश आर्मी के कलोनल टिकल ने जो है वो 1840 में फर्स्ट टाइम जो है वो वेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट को जो है वो विजिट किया था। और जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो 2013 में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे खुदाई करी थी। तो जो आपकी वेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट है इसमें आपका ASI आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में फर्स्ट टाइम एक्सकैवेशन जो है वो की थी, फर्स्ट टाइम जो है वो खुदाई यहाँ पे इन्होंने
की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बारी चिनाबादम ट्वेलर इस टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो इसका राइट आंसर है आपका डी ग्राउंडनट। ये हमने पीछे भी जो है वो पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।